अशांति फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीची। भारत बंद के संबंध में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय के विरुद्ध 21 अगस्त 2024 को इन वर्गों के द्वारा सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत बंद के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उक्त आह्वान को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर बीटी ने शांति समिति के सदस्यों को बताया कि जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण तैयार एवं मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोग यह सुनिश्चित करें कि विरोध के दौरान किसी भी प्रकार के हिंसात्मक उपायों का प्रयोग न होने पाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने कहा कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ और हिंसा जैसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई बात रखनी है तो वह शांतिपूर्ण तरीके से रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों से सावधान रहें, आपसी सौहार्द प्रेम भाईचारा बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। बैठक में उपखंडाधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा, तहसीलदार धर्म सिंह, जिले की शांति समिति के सदस्य, सर्व समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। कल 21/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ कैटेगरीज, एससी एसटी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन करने का जो निर्णय है, उसको लेकर कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया है। उस संबंध में हमने यहाँ पे जिला शांति समिति में बैठक लिया है और व्यापार और ट्रांसपोर्ट संघ के पदाधिकारियों से भी हमने वार्तालाप किया है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी आपके आंदोलन है, शांतिपूर्वक आप उसको मनाएं और हर जगह शांति कायम रखें। और पुलिस और प्रशासन इस संबंध में सतर्क है और ब्लॉक लेवल पर भी एसबीओस और संबंधित डीवाईएसपी के माध्यम से मीटिंग चल रहा है और थाने लेवल पर सीएलजी बैठक चल रहा है। तो मैं सभी जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें और साथ ही जो भी आंदोलन करना है वो भी शांतिपूर्वक रखें और प्रशासन और पुलिस सख्त है इसमें। धन्यवाद। भारत बंद मामला, स्कूल कॉलेज आदि में 21 अगस्त को रहेगा अवकाश। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय के विरुद्ध विभिन्न संगठनों के द्वारा 21 अगस्त 2024 को प्रस्तावित भारत बंद पर पुलिस विभाग की सूचना एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एहतियातन जिले में संचालित कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्कूल, आंगनबाड़ी एवं कॉलेज, सरकारी एवं गैर सरकारी में छात्र छात्राओं के लिए 21 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। जलभराव से गुस्साए लोगों ने नगर परिषद पर जड़ा ताला, अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी। जलभराव की समस्या से परेशान है 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोग। छितरिया ताल से ओवरफ्लो होकर निकला पानी धौलपुर शहर की 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी में पहुंच गया है। कॉलोनियों में पानी के पहुंच जाने से हर वक्त हादसे की आशंका बनी हुई है। लंबे समय से चल रही जलभराव की समस्या से जूझते लोगों ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय धौलपुर पर ताला जड़ दिया, जहां लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में छितरिया ताल का पानी उनकी कॉलोनी में भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हर वर्ष नगर परिषद द्वारा उनकी समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन भी दिया जाता रहा है। जलभराव की समस्या से जूझते लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि प्रतिवर्ष हो रहे जलभराव की वजह से उनके मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिस वजह से हर वक्त हादसे की आशंका बनी हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर द्वारा इस वर्ष पानी की निकासी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर सभी आक्रोशित हैं। नगर परिषद की कार्यप्रणाली से आक्रोशित लोगों ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय पर ताला लगा दिया। तालेबंदी के बाद नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से जल्द ही जलभराव की समस्या का
समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने नगर परिषद कार्यालय धौलपुर का ताला खोला। विदित है कि प्रतिवर्ष बारिश के बाद धौलपुर शहर की 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जलभराव हो जाता है, जिस समस्या का नगर परिषद ने अब तक कोई समाधान नहीं किया है। जलभराव की वजह से पिछले कई दिनों से धौलपुर करौली हाईवे के साथ धौलपुर भरतपुर हाईवे से सटी कॉलोनियां जलमग्न हैं, जहां लोगों का घर से निकलना और जीना दुश्वार हो गया है। अनिलोबा शर्मा सैपुर धौलपुर रामकुंज के निवासी है। बाढ़ में इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि जिस पीमानी हर साल पानी भरता है मेन रोड पे सैपुर रोड पे, और चितवे ताल का पानी तो सैपुर तरफ मोड़ देते हैं अपनी को रामकुंज कॉलोनी तरफ, और नाले साफ बिल्कुल होते नहीं कभी भी। नाले का मुंह बंद कर रखा है डीपी के ड्राइव पे, बिल्कुल उसमें एक बूंद पानी जाता नहीं है। हर साल कई बार शिकायत की है साहब, ईओ साहब से की है, आयु साहब से की है, सभी से शिकायत घर साहब से की है। अशोक जी एक बार फोन उठा लिया था, फिर कभी फोन उठाते नहीं है, ठीक है। आज सब जनता बाढ़ की जनता आकर के 200 आदमी आकर के यहाँ पे नगर परिषद में कहा, किसी सुनाई नहीं की, इसलिए नगर परिषद में ताला जल्द दिया है। सभी बाढ़ में बजरंग कॉलोनी बंगाली सिकरवार जाऊ 50 साल आ चुके जा, शिकायत काफी भी की है, ये साहब मिलते नहीं है, चेयरमैन साहब मिलते नहीं है, कोई मिलता नहीं है। आज हम करीब 200 आदमी एकजुट होके एकत्रित होके आए हैं, नगर परिषद में कोई मिला नहीं, पूरी खाली मिली है ऑफिस, इसलिए ताला लगा दिया। इससे इसका कभी न कभी समस्या निकले, लोग बाद एक महीना से घरों में खेद है, बिल्कुल खेद है, कुछ नहीं हो रहा है और कोई जाना ही नहीं है बाढ़ में बिल्कुल। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल में कोठी धौलपुर। न्याय की मांग को लेकर लोधा समाज के लोगों ने की महापंचायत, चर्चा के बाद लिए कई अहम फैसले, मुख्यमंत्री तक जाने की कही बात। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व नेशनल हाईवे 44 स्थित आईसर व लक्ष्मी इंटरप्राइजेस फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति का शव खेतों में पड़ा हुआ मिला था, जिसको लेकर काफी हंगामा प्रदर्शन भी हुआ, जहां मृतक के परिवारजनों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर फैक्ट्री के मालिक से मुआवजे की मांग की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मृतक भूरी सिंह पुत्र हीरा सिंह लोधा निवासी थोड़ी कापुरा के भाई महेंद्र सिंह द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए मनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामले को 2 से 4 दिन हो गए, लेकिन मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर आज मंगलवार 20 अगस्त को क्षेत्र के गांव मांगरोल स्थित अवंतीबाई पार्क में महापंचायत की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोधा समाज के लोग एकत्रित हुए। बैठक के दौरान पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोधा समाज के प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचार रखे। ग्राम पंचायत मांगरोल के पूर्व सरपंच नेत्रपाल सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लोधा समाज का प्रतिनिधि मंडल विशाल जनसमूह के साथ SDM, SP और जिला कलेक्टर सहित क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क करेंगे, साथ ही सभी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही अगर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो समाज का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी कानूनी कार्रवाई के लिए जयपुर जाकर संपर्क करेगा। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया कि यदि मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का समस्त लोधा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस दौरान बैठक में लोधा महासभा के अध्यक्ष प्रेम सिंह, पूर्व सरपंच नेत्रपाल, डॉक्टर भरत सिंह, किशन सिंह, रविन्द्र सिंह, भीकाराम पटेल, शिव सिंह, गोरेलाल, सुंदर सिंह, वेवाराम, मुकेश चंद, मदन लाल, पप्पू, जय गोपाल, राजेंद्र आदि सैकड़ों की संख्या में लोग महापंचायत में शामिल हुए, जहां मृतक के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चर्चा की गई और कई निर्णय लिए गए। 16/8/2024 को इंटरप्राइजेस लक्ष्मी इंटरप्राइजेस ईदलपुर धौलपुर में जो ढोलपुरा के हमारे नौजवान की मृत्यु हुई है, उसके न्याय दिलाने के लिए आज मांगरोल महारानी अवंतीबाई स्टैचू पर
सभी जिले से समाज बंधु आए हैं और न्याय की गुहार के लिए आए हैं। पोस्टमार्टम के बाद हम उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद अगर हमारी सही जांच नहीं होती है तो मजबूर होकर हमारा पूरा समाज धौलपुर का आंदोलन करेगा। ये सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित हुआ। अवैध शराब की बिक्री को लेकर जिला कलेक्टर से की शिकायत। शराब ठेके को भी अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के खेरली गांव के लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात कर अवैध शराब बिक्री को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री के साथ गांव में संचालित शराब के ठेके को भी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के पास जो शराब का ठेका है उस ठेके से अवैध शराब कारोबारी शराब लेकर छोटी छोटी दुकानों पर रखकर बेचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार गांव के रिंकू और कल्ला नाम के युवकों के जरिए अवैध रूप से शराब की सप्लाई करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव में अटल सेवा केंद्र और स्कूल के पास भी अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा शराब बिकवाई जा रही है, जिस वजह से छोटे छोटे बच्चे भी चोरी छुपे शराब पीते हुए कई बार घर वालों द्वारा पकड़े भी जा चुके हैं। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि जब गांव के लोग शराब ठेकेदार से अवैध शराब की बिक्री करने से मना करते हैं तो ठेकेदार उनके साथ गाली गलौज करता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शराब ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की भी मांग की है। तो मेरा नाम अरविंद सिंह है, मैं खेली गांव से हूं और ये हमारे गांव में जो ठेकेदार है प्रताप सिंह, वो हमारे गांव में इल्लीगल तौर पर जो दारू है उसकी सप्लाई कर रहा है। उसको हमने डायरेक्टली जाके हम उनसे मिले तो उन्होंने मतलब मना कर दिया कि हम तो ऐसे ही बेचेंगे, और इसीलिए हम SP ऑफिस आए हुए हैं ये अपना ज्ञापन देने के लिए। ये हमारा ज्ञापन है और सर ने बोला हमारी ये मांग है कि मतलब हम मतलब अपने गांव में मतलब दारू सप्लाई नहीं करना चाहते, करने देना चाहते। मेरा नाम राजेश है, मैं खिरली गांव से हूँ। क्या चक्कर है, अपने गांव में हमारे छोटे छोटे बच्चे देख के एक दूसरे को शराब पीते हैं, हम इस दारू को गांव से बंद करवाना चाहते हैं। अब क्या मांग है आपको? मेरी मांग है सर, हम गांव से सप्लाई बंद होनी चाहिए, ठेके पे बेशक बेचो, गांव से सप्लाई बंद होनी चाहिए। सुनी रह गई भाई की कलाई, सड़क दुर्घटना में बहन की मौत। आगरा उत्तर प्रदेश से भाई को राखी बांधने आ रही थी धौलपुर। सोमवार को रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने पति के साथ बाइक से आ रही एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर हाईवे पर दो बाइकों के बीच हुई भिड़ंत के बाद घायल महिला ने जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के सबका पोस्टमार्टम करने पहुंचे परिजनों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मई गांव की रहने वाली महिला सपना, उम्र 34 वर्ष, रक्षाबंधन के पर्व पर अपने पति जितेंद्र के साथ बाइक से मायके किरारपुरा आ रही थी। तभी सदर थाना क्षेत्र में दो बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिस हादसे में महिला सपना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान देर रात को महिला ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही धौलपुर सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने मृतक महिला के सब का पोस्टमार्टम कराया और सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया। पुलिस दूसरे बाइक सवार की तलाश कर रही है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषिव कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने सुरक्षा कर्मियों को बांधी राखी, जवानों ने बहन की तरह सुरक्षा करने का दिया भरोसा। कोहली ने लोगों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
भरतपुर से बीजेपी की पूर्व सांसद रंजीता कोली ने सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व बयाना स्थित अपने आवास पर अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मनाया। पूर्व सांसद रंजीता ने सुरक्षा कर्मियों को रूली का टीका लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। पूर्व सांसद की इस पहल पर सुरक्षाकर्मी भावुक हो उठे। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने पूर्व सांसद को बहन की तरह सुरक्षा करने का भरोसा दिलाया। पूर्व सांसद रंजीता कोली ने बताया कि उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों को राखी के त्योहार पर घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली। ऐसे में उन्हें बहन की कमी महसूस न हो, उन्होंने बहन बनकर अपने सुरक्षाकर्मियों की कलाई पर राखी बांध कर मिठाई खिलाई। पूर्व सांसद ने कहा कि सुरक्षाकर्मी अपनी बहन की तरह दिन रात मेरी सुरक्षा में लगे हुए हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का पल है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रंजीता कोली को केंद्र सरकार की तरफ से वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर और जवान 24 घंटे रहते हैं। इसी के साथ राजस्थान पुलिस के जवान भी उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। पूर्व सांसद कोली ने नागरिकों को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। पूर्व सांसद रंजीता कोली ने बयाना में अपने परिवार के साथ रहकर रक्षाबंधन का यह पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। रक्षाबंधन पर पूर्व सांसद के निवास पर पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी पहुंचे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना से सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। रंजिश के चलते मकान की दीवार तोड़ी, सामान चोरी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव बच्चन सिंह का पुरा राडोली में एक व्यक्ति के मकान की दीवार तोड़ने और सामान को चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। बच्चन सिंह का पुरा मनिया निवासी रघुवीर गुर्जर ने बताया कि उसके रिश्तेदारों से कुछ लोगों की रंजिश चल रही है, जिस कारण सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने परिवार के साथ धौलपुर में रहता है। ऐसे में गांव का मकान सूना रहता है। सोमवार मंगलवार की रात को अज्ञात लोगों ने उसके मकान की दीवार तोड़ दी। इसके अलावा घर में रखे गेहूं के 10 कट्टे एवं अन्य सामान चोरी कर ले गए, साथ ही घर में लगी समर को भी खराब कर गए हैं। पीड़ित रघुवीर गुर्जर का आरोप है कि जिन लोगों से उसके रिश्तेदार की रंजिश चल रही है, उन्हीं लोगों ने जानबूझकर दीवार तोड़ी है और मकान से चोरी की है। रामली के राजभाई और हमारी नाम रघुवीर है, हमारी भीत फोद गई है रात और एक समरक खराब कर दी, 8-10 कट्टा गेहूं के और लूट मार कर ली है। इनर व्हील क्लब ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के दोषियों को फांसी दिलाने की मांग। इनर व्हील क्लब धौलपुर ने कोलकाता की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही क्लब की ओर से कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम करने की मांग भी की गई है। मंगलवार को इनर व्हील क्लब धौलपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीएम श्रीनिधि बीटी को सौंपा। क्लब के सदस्यों ने बताया कि इसी महीने 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल के परिसर में एक युवा डॉक्टर के साथ हुए भयानक दुष्कर्म और हत्या ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। यह पूरी तरह से पागलपन की बात है कि एक युवा लड़की अपने कार्य स्थल पर जाती है और 36 घंटे की शिफ्ट के बाद एक कमरे में आराम करने जाती है और उसके साथ क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ज्ञापन के माध्यम से इनर व्हील क्लब ने मांग की है कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे यह सजा ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए एक नजीर बने और वह ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। डीएम ने क्लब की महिलाओं को आश्वासन दिया कि प्रशासन महिला सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु गर्ग, सचिव इंदिरा जिंदल, पूर्व अध्यक्ष रेणु भार्गव, वरिष्ठ पदाधिकारी रागनी अग्रवाल एवं आकांक्षा भार्गव आदि पदाधिकारी मौजूद रही। अगस्त में जो जघन्य अपराध हुआ है कोलकाता में, तो हमने उसी के संदर्भ में कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है और साथ में एक लेटर भी दिया है कि वो इसके लेटर के उससे आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपने धौलपुर की महिलाओं के लिए कुछ, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा एक्शन लें जिससे कि अपनी महिलाएं सुरक्षित रह सकें। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन।
योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय जीव विज्ञान गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, फलपुर। मोबाइल नंबर 9667067707। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 52 पर रिक्त पद के लिए होगा उपचुनाव। नगर परिषद धौलपुर में वार्ड नंबर 52 के रिक्त पद पर उपचुनाव किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी साधना शर्मा ने बताया कि सदस्य 20 से 24 अगस्त तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवेक्षा 27 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से एवं नाम वापसी 29 अगस्त तक की जा सकती है। उन्होंने बताया कि रिक्त पद पर उपचुनाव 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर चुनाव समाप्ति तक इस दौरान संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए करें सीधे आवेदन। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग में संस्थान स्तर पर 22 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रतिदिन सीधे प्रवेश होंगे। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में भी संस्थान स्तर पर 20 अगस्त से 23 अगस्त तक प्रतिदिन प्रवेश होंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य हेलेंद्र हरदेनिया ने बताया कि अभ्यर्थी संबंधित दिनांक तक संस्थान में आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं फीस के साथ दोपहर 12 बजे तक उपस्थित होकर विभिन्न ब्रांचों में प्रतिदिन प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संस्थान की या तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। भारत बंद आह्वान को लेकर संघर्ष समिति की हुई बैठक। एसपी और एसडीएम ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एससी एसटी आरक्षण में विभाजन के निर्देश और राय के बाद लगातार विरोध होता दिख रहा है। ऐसे में एससी एसटी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बाड़ी द्वारा 21 अगस्त बुधवार को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है। उक्त आह्वान के तहत संघर्ष समिति के धौलपुर जिला अध्यक्ष सरपंच किशन सिंह मीणा द्वारा लगातार जिले के अलग अलग शहरों में जाकर संघर्ष समिति का गठन किया है और समिति के पदाधिकारी को बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है। मंगलवार को दिन में बाड़ी शहर के अम्बेडकर पार्क में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने सभी पदाधिकारियों से बंद को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श और चर्चा की और शहर के लोगों से बंद में सहयोग की अपील की गई। जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का एसटीएससी संवर्ग में विरोध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में विभाजन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। विरोध में बुधवार का भारत बंद रखा गया है, जिसमें बाड़ी शहर में बंद को सफल बनाने के लिए पालिका अध्यक्ष पोतम सिंह जाटव, पार्षद राजवीर सिंह, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम कुमार मीणा, जसवंत सिंह, जेपी रावत, मान सिंह सहित तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। सुबह 10 बजे बाड़ी के महाराणा पर खेल मैदान पर सभी लोग एकत्रित होंगे, जहां से जुलूस के रूप में मुख्य बाजार में होते हुए शहर के एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। पार्षद राजवीर सिंह ने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए बाड़ी शहर के आमजन से जहां अपील की है, वहीं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधे श्याम गर्ग से संपर्क कर बंद में सहयोग की अपील की है। वहीं शहर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संगठनों के पदाधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है और सभी से सहयोग मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर भारत बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन द्वारा संघर्ष समिति के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान ने बताया कि प्रशासन द्वारा हर एहतियात बरती जा रही है। बाड़ी शहर के विभिन्न चौराहों और मुख्य स्थान पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। वहीं मोबाइल पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करेंगी। बंद समर्थकों को यह हिदायत दी गई है कि वे किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रभावित न करें। वहीं भारत बंद को देखते हुए धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा और बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों और संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों की बैठक ली। सभी से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस दौरान सीएलजी सदस्यों से आग्रह किया कि वे किसी भी मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को अवगत कराएं। का आह्वान है उस संदर्भ में बाड़ी थाने में सभी आयोजनकर्ता व्यापारी वर्ग
मीडिया में आम जनता से मिलके मीटिंग ली गई, सभी ने आश्वस्त किया कि भाई शांति से इसको निकालेंगे, वे सभी बड़े दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। पुलिस के बंदोबस्त में प्रशासन के बंदोबस्त पूरी तरह से हैं, सब जगह पुलिस जाब्ता नियोजित है, वह सभी लोग शांति से इसको निकलवाएं, इसके लिए सभी सभी ने धन्यवाद। मीणा समाज धौलपुर, कल हमारी रैली है पूरे भारतवर्ष में रैली है, और एससी एसटी का जो आरक्षण में दो जगह बांट रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपको हमारा पूरा इसमें विरोध हो रहा है। हम पूरा समाज मिल करके एससी एसटी कल बाड़ी बाजार में पूरा अपील करेंगे, सभी समाजों से निवेदन करेंगे कि बाजार को दुकानों को बंद रखें, और पूरा यहाँ से माता मंदिर से लगा करके और किले गेट तक पूरे बाजार में रैली निकालेंगे, और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। एससीएसटी के सब लोग हम एक मंच पर हैं, और सभी समाजों से, सातों समाज से अनुरोध भी किया है, आचरण के निवेदन भी करेंगे, और सब लोगों से संपर्क साध रहे हैं कि किसी तरह का झगड़ा प्रसाद नहीं हो, शांति पूर्वक हमारी रैली हो, संपन्न हो। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओम धीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103-402-187। रेलवे ट्रैक पर युवक की डेड बॉडी मिलने से फैली सनसनी। भरतपुर जिले के बयाना में बयाना हिंडोन रेल मार्ग स्थित गदेखार रेलवे पुलिया के पास मंगलवार दोपहर को ट्रैक पर युवक की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली SHO बाबूलाल गुर्जर, टाउन चौकी इंचार्ज निर्भय सिंह गुर्जर, GRP चौकी इंचार्ज केशव सिंह मौके पर पहुंचे। घटना का पता चलने पर मौके पर आसपास के ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल यह भी खुलासा नहीं हो सका है कि युवक किसी चलती ट्रेन से गिरा है या पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया है। पुलिस ने युवक के सब को कब्जे में लेकर कोटा आगरा पैसेंजर ट्रेन से बयाना स्टेशन भिजवाया। उसके बाद युवक के सब को पहचान के लिए बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। GRP चौकी इंचार्ज केशव सिंह चौधरी ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे एक युवक के बीच ट्रैक पर मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को बुलाकर युवक की पहचान कराने के प्रयास किए गए, लेकिन फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। उसके पास पहचान का कोई दस्तावेज भी नहीं मिला है। कोतवाली पुलिस ने युवक के सब को फिलहाल CHC की मोर्चरी में रखवाया है। युवक के बारे में आसपास के थानों और GRP चौकियों को सूचना भिजवाई गई है। युवाओं की 9 सदस्यीय टीम ने 48 घंटे में लाकर चढ़ाई 71 लीटर की कांवड़। हर हर महादेव के जय घोषों के साथ किया भगवान शिव का जलाभिषेक।
देवों के देव महादेव की भक्ति में इस बार युवा वर्ग बहुत डूबा रहा। यही कारण है कि युवा भक्त डाक कावड़, कई लीटर वजरी कावड़, कंधा कावड़ आदि सोरू जी से लाकर अपने आराध्य देव पर चढ़ाई। ऐसे ही धौलपुर जिले के बनिया क्षेत्र के गांव बगचोली लोधा के युवाओं ने 48 घंटे में 71 लीटर कांवड़ लाकर गांव के महादेव मंदिर पर चढ़ाकर रिकॉर्ड बना लिया। जानकारी के अनुसार बनिया क्षेत्र के गांव बगचोली लोधा से दो दिन पहले बाबा भगवती प्रसाद के निर्देशन में 9 सदस्यीय युवाओं का दल कांवड़ लेने के लिए रवाना हुआ था। सदस्यों के द्वारा कछला घाट गंगा जी पर पहुंचने से गांव बगचोली लोधा आने तक मात्र 48 घंटे का सफर तय करते हुए 71 लीटर की कांवड़ लाकर गांव के महादेव मंदिर पर चढ़ाई। इस दौरान गांव वालों ने सभी युवा कांवड़ियों का स्वागत सम्मान किया। युवाओं ने महादेव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना करते हुए हर हर महादेव के जयघोषों के साथ कांवड़ चढ़ाई। कांवड़ियों की युवा टीम में उप सरपंच सालिग्राम राजपूत, राजेंद्र लोधी, सचिन दीवान, धर्मेंद्र जीतू, दिनेश, अजय, सोनू, गब्बर आदि भक्त शामिल रहे। ट्रक और कैंट्रा में हुई जबरदस्त भिड़ंत, दो जने घायल। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग की घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजाखेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग पर सोमवार शाम ट्रक और कैंट्रा में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से दोनों घायलों को ग्रामीणों की सहायता से गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर भिजवाया गया। घटना को लेकर थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर कंचनपुरा गांव के पास ट्रक और कैंट्रा की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ट्रक राजाखेड़ा से धौलपुर की ओर जा रहा था, वहीं कैंट्रा गाड़ी धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर जा रही थी, जहां कंचनपुरा के पास दोनों में भीषण भिड़ंत हो गई। दोनों घायलों को ग्रामीणों की सहायता से गाड़ी से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय धौलपुर भिजवाया गया। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेटबैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल, मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें, जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोपतराहे के नजदीक, संत रोड, धौलपुर। मंगल गीत गाकर युवतियों ने विसर्जित की फुलरियां। विधि विधान से की पूजा अर्चना, मेले का उठाया लुफ्त। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में प्रतिवर्ष की भांति मंगलवार को भी भुजरिया के मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान नवविवाहिताओं ने मस्तराम के ताल पर विशेष पूजा अर्चना कर भुजरियाओं का तालाब में विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया। इस दौरान युवतियां समूहों में लोकगीत एवं भजनों की धुनों पर नृत्य करती हुई तालाब पर पहुंची, जहां पर विशेष पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की मनौती मांगी। इस दौरान मनिया कस्बे के मस्तराम ताल के किनारे लगे मेले में युवतियों ने श्रृंगार सहित अन्य सामग्री की खरीददारी की तथा विभिन्न लोकगीत भजन गाए, जहां माहौल भक्तिमय दिखाई दिया। दूसरी ओर मुस्लिम महिलाओं द्वारा बर वाले सैयद की मजार पर चादर चढ़ाकर मनौती मांगी। मेला देखने के लिए कस्बा सहित क्षेत्र के आसपास गांव के सैकड़ों नागरिक पहुंचे। बुजुर्ग व्यक्ति महाराज सिंह जादौन और सुरेश गोस्वामी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तालाब पर लगने वाला वार्षिक रक्षाबंधन मेला मंगलवार को आयोजित किया गया। इस भुजरिया मेले में लोगों ने भुजरियाओं का तालाब में विसर्जन किया। मेले में भीड़ उमड़ने का सिलसिला शाम 5 बजे से शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। मेले में आने वाले सैलानियों के लिए दुकानदारों द्वारा स्थायी तौर पर दुकानें भी लगाई गई। इस दौरान मेले का सबसे अधिक लुफ्त बच्चों ने उठाया। बच्चों के लिए मेले में खिलौने की दुकानें और खाने पीने के सामान की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। महिलाओं ने मेले में लगी दुकानों से गृहस्थी से संबंधित सामान की खरीददारी की। भुजरिया मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। इस दौरान पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए राउंड लगाती रही। पुलिस ने मेले में असामाजिक तत्वों पर विशेष कर निगाह रखी। जय घोषों के साथ अखंड भारत बनाने का लिया संकल्प। आयोजित हुए विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
धौलपुर जिले के बाड़ी में सोमवार शाम को हिंदू जागरण मंच के द्वारा सार्वजनिक स्थल खंडे की अथाई रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। खंडे की अथाई पर अखंड भारत का नक्शा लगाया गया, जो दर्शाता है कि हमारे भारत के टुकड़े कब कब हुए, और अखंड भारत के मानचित्र की रंगोली जिस पर अखंड भारत संकल्प को लेकर एकत्रित हिंदू समाज के गणमान्य बंधुओं माताओं बहनों द्वारा 111 दीप प्रज्वलित कर अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया। संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुरोठी मंडल के रामकिशोर शास्त्री के मुखारविंद द्वारा उनकी टीम के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भारत माता के पूजन के साथ की गई। मोहल्ला विकास समिति खंडे की अथाई के संयोजक संजीव कुमार के साथ समस्त समिति पदाधिकारियों ने पूजन कर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर भारत माता के जय घोष के साथ रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बहनों के भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध कर सनातन संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आरंभ कराया। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा पाठ हनुमान जी महाराज की आरती कर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मधुसूदन दुबे ने एकत्रित हिंदू समाज के जनसमूह को अखंड भारत के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी भारत विकास परिषद के प्रमुख डॉक्टर एस डी मंगल ने मोहल्ला विकास समिति खंडे की अथाई द्वारा आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस पर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि हमको इस तरह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर करते रहने चाहिए। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारसर ने अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम को लेकर सदैव सर्व हिंदू समाज को एकजुट होकर रहने का आह्वान किया। अंत में भारत माता की आरती कर भारत माता के जय घोष के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मोहल्ला विकास समिति के संयोजक संजीव कुमार ने समस्त आगंतुक अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर समिति कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के बाड़ी खंड संयोजक भोला सिंह परमार, सह संयोजक अमित लवानिया, महावीर कुशवाहा बेहिप की जिला मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, पूर्व छात्र संघ की जिलाध्यक्ष काजल परमार, राकेश दीक्षित, मोहल्ला विकास समिति के संगठन मंत्री अशोक बिथोलिया, शिव कुमार शुक्ला, सह संयोजक मधुसूदन पचौरी, धीरज वर्मा, सत्संग प्रमुख प्रेम स्वरूप तिवारी, सूचना मंत्री मुन्नी परमार, कोषाध्यक्ष महेश पारासर, संरक्षक ऋषि शुक्ला, दुर्गा प्रसाद, चेतन प्रकाश गुलपारिया, नवल किशोर शास्त्री, जगदीश प्रसाद पारासर, हरिविलास आदि मौजूद रहे। सीएलजी सदस्यों की ली बैठक, शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान। भारत बंद को लेकर धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ, जहां एसटीएससी प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। भारत बंद आह्वान के तहत सरमथुरा थाना अधिकारी गौरव कुमार ने सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया। सरमथुरा क्षेत्र के आंदोलन संयोजक डॉक्टर रामस्वरूप मीना व अन्य सदस्यों द्वारा भारत बंद को लेकर अपना पक्ष रखा गया, जिसमें सभी समाजों के सदस्यों द्वारा स्वीकार कर बंद में सहयोग की सहमति जाहिर की। थानाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि 21 अगस्त को एसटीएससी द्वारा प्रस्तावित भारत बंद के तहत थाना परिसर में सीएलजी सदस्य, शांति समिति सदस्य, एसटीएससी प्रतिनिधि मंडल, व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य मंडलों की संयुक्त मीटिंग ली गई, जिसमें बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है, शांतिपूर्ण बंद के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर थानाधिकारी गौरव कुमार, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, सरमथुरा चेयरमैन जलाल खान, अशोक त्रिपाठी, गजानंद सोनी, संजय जादौन, जगदीश शर्मा, संजय सोनी आदि मौजूद रहे। 21 तारीख को SC/ST समुदाय द्वारा प्रस्तावित भारत बंद को मद्देनजर रखते हुए थाना आजा पर व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्टर्स और SC/ST समुदाय के व्यक्तियों व कस्बे के अन्य मंडलों के सदस्यों की एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन करने व प्रशासन का सहयोग करने के लिए पाबंद किया गया। नागरिक विकास समिति ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग को लेकर नागरिक विकास समिति बसेड़ी द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि बसेड़ी कस्बे में पूर्व में स्थापित थाने को कस्बे से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है, जिसके चलते बसेड़ी कस्बे में अराजक गतिविधियां, चोरी, छीना छपटी, मोटरसाइकिल चोरी, दुकानों के शटर तोड़ना व अन्य गतिविधियों में दिनों दिन वृद्धि हो रही है।
रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आने वाली बच्चियों से मंगलसूत्र गले से खींचकर दो मोटरसाइकिल सवार भाग गए। उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। साथ ही बताया कि बसेड़ी कस्बे के अंदर जहां पुराना थाना संचालित था उसका भवन भी उपलब्ध है, वहां पर एक स्थायी पुलिस चौकी स्थापित की जाए जिससे यहां के नागरिकों दुकानदारों की रक्षा हो सके। फिलहाल में जो गश्त व्यवस्था है वह गाड़ी के द्वारा की जा रही है जिसमें बसेड़ी कस्बे में तो कम लेकिन कस्बे से बाहर ज्यादा वाहन से पेट्रोलिंग की जाती है। बाजार में कोई होमगार्ड की व्यवस्था नहीं है जो रात भर बाजार में गश्त करे। स्थायी पुलिस चौकी बसेड़ी कस्बे में होने से कोई घटना होने पर तत्काल सहायता मिल सकती है और कोतवाली 4 किलोमीटर दूर होने से पुलिस के आने में समय लगने से अपराधी फरार हो जाते हैं। नागरिक विकास समिति बसेड़ी द्वारा ज्ञापन में बसेड़ी कस्बे में शीघ्र स्थायी पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष महेश परमार, पूर्व कमांडेंट माया राम शर्मा, शिव चरण शर्मा, हरिओम गर्ग, प्रेम सिंह और मुन्ना लाल मित्तल सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन बसेड़ी में जो पुराना थाना है उस पर स्थायी पुलिस चौकी कायम करने के लिए दिया गया है। आज से कुछ समय पहले बसेड़ी थाना यहाँ कोतवाली है वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पहुँच गई है और बसेड़ी प्रॉपर में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ शांति कायम करने के लिए आए दिन जो विवाद तारे टूटते हैं, चीरा जब्ती होती हैं, मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, उसके बचाव के लिए पुराने थाने पर स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। नंबर एक बात तो यह है कि बसेड़ी के अंदर पहले यहाँ पर थाना था और अभी उसको कोतवाली के नाम पर दूर दराज किनारे की तरफ में ले जाया गया है। वहाँ बसेड़ी से 4 किलोमीटर दूर है और बसेड़ी के अंदर बसेड़ी का रखवाला कोई नहीं रहा। यहाँ आए दिन घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि कल भी रक्षाबंधन पर आने वाली बहनों से और मंगलसूत्र और वो दो अराजक तत्व तो छीन करके ले गए। इसके अलावा न तो कोई रास्ते में गश्त होता है, न यहाँ कोई होमगार्ड की व्यवस्था है। कल को यहाँ कोई उपद्रव होता है, घटना होती है, चाकूबाजी होती है, मोटरसाइकिल छीनाताई होती है और भी वारदातें होती हैं बाज़ार में, आपस में झगड़ा होता है, कोई दुकान बंद कराता है, कोई एट्रोसिटी कर रहा है। तो इस सब के लिए यहाँ पे एक स्थायी चौकी होना बहुत लाजमी है जिसकी हम कई महीनों से कई रेलवे ट्रैक पर युवक की डेड बॉडी मिलने से फैली सनसनी। भरतपुर जिले के बयाना में बयाना हिंडोन रेल मार्ग स्थित गदेखार रेलवे पुलिया के पास मंगलवार दोपहर को ट्रैक पर युवक की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली एसएचओ बाबूलाल गुर्जर, टाउन चौकी इंचार्ज निर्भय सिंह गुर्जर, जीआरपी चौकी इंचार्ज केशव सिंह मौके पर पहुंचे। घटना का पता चलने पर मौके पर आसपास के ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल यह भी खुलासा नहीं हो सका है कि युवक किसी चलती ट्रेन से गिरा है या पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर कोटा आगरा पैसेंजर ट्रेन से बयाना स्टेशन भिजवाया। उसके बाद युवक के शव को पहचान के लिए बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जीआरपी चौकी इंचार्ज केशव सिंह चौधरी ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे एक युवक के बीच ट्रैक पर मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को बुलाकर युवक की पहचान कराने के प्रयास किए गए, लेकिन फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। उसके पास पहचान का कोई दस्तावेज भी नहीं मिला है। कोतवाली पुलिस ने युवक के शव को फिलहाल सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। युवक के बारे में आसपास के थानों और जीआरपी चौकियों को सूचना भिजवाई गई है। कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि, पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर किया याद। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सदस्य पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि राजीव गांधी भारतीय सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज सशक्तिकरण के सूत्रधार एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष की, पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया, दूरसंचार और आईटी क्रांति, महिला सशक्तिकरण, सभी के लिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से देश की प्रगति को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपने अल्पकाल में देश को नई दिशा दी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं।
थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसान, मजदूर, दलित, वंचितों के लिए योजनाएं बनाई और संचालित किया। राजीव गांधी लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी, धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सचिव महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सचिव युवा नेता अमित मुद्गल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए। पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर धर्मेंद्र दिनकर ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। इस अवसर पर सेवा दल प्रभारी बॉबी जगरिया, पातिराम कुशवाहा, मुन्ना अब्बासी, आमिल खान, पूरन सिंह बघेल, दीपक सक्सेना, रिंकू गर्ग आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध लिया रक्षा का संकल्प। बाड़ी क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षा बंधन पर्व। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखियों का त्योहार रक्षाबंधन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई में रेशम का धागा बांधकर अपना प्यार लुटाया और साथ ही भाइयों की दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहन को उपहार देने के साथ ही उनको रक्षा का वचन दिया। जिन भाइयों की बहनों का घर दूर था, वे शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाने को एक दिन पहले ही बहन के घर पहुंच गए। वहीं सोमवार को भद्रा काल होने के कारण दोपहर बाद 1:30 बजे से बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रेशम का धागा बांधकर उनके दीर्घ जीवन की कामना की। इस अवसर पर बहनों ने भाई को तिलक लगाकर उनको मिठाई खिलाई। भाइयों ने बहनों को रक्षा बांधने के बदले उनकी रक्षा का वचन देकर उन्हें उपहार भी दिए। रक्षाबंधन को लेकर छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग सभी में खासा उत्साह देखा गया। वहीं दिनभर बाजारों में भी रौनक रही और मिठाइयों की दुकानों पर भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई। भारत बंद को लेकर पुलिस व प्रशासन ने ली बैठक। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बलों ने बाजारों में निकाला फ्लैग मार्च। सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण व क्रिमिलेयर को लेकर दिए गए सुझाव के विरोध में SC/ST संगठनों की ओर से बुधवार को भारत बंद के आह्वान को देखते हुए भरतपुर जिले के बयाना में SDM राजीव शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति VC सभागार में व्यापारिक संगठनों, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी सहित प्रशासनिक पुलिस अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बयाना SDM राजीव शर्मा व CEO अमर सिंह मीणा, कोतवाल बाबूलाल गुर्जर, तहसीलदार विनोद मीणा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ बयाना के बाजारों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कोतवाली से गांधी चौक, छोटा बाजार, शिवगंज मंडी, सुभाष चौक, बजरिया पंचायत समिति होता हुआ वापिस कोतवाली पहुँचा। SDM ने कहा कि रैली निकालने के दौरान पूरी तरह से शांति व कानून व्यवस्था की पालना की जाए। उन्होंने किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करने तथा ऐसी सूचनाओं को प्रशासन व पुलिस के ध्यान में लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसी जाति धर्म वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले नारों का उपयोग नहीं करने, DJ अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से किसी भावनाओं को आहत करने वाले गीतों भाषणों का प्रसारण नहीं करने के निर्देश दिए। इस दौरान व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि रैली के दौरान बाजार में दुकान बंद रखी जाएगी। SDM ने सभी व्यापारिक संगठनों, नागरिक संगठनों को आश्वस्त किया कि प्रशासन पुलिस हमेशा सभी नागरिकों के साथ कानून व्यवस्था के लिए है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटी ने कहा कि बंद समर्थक सभी संगठन अपनी बात रखते समय कानून व्यवस्था के तहत शांति के साथ अपनी बात रखें। रैली में एकत्रित होने से लेकर ज्ञापन देने आने तक किसी भी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित किए बिना धैर्य के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने कहा कि बंद समर्थक सभी संगठन रैली में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, लाठी डंडों को लेकर नहीं चलेंगे। बैठक में मौजूद जाटव समाज समिति के अध्यक्ष दान सिंह जाटव ने कहा कि रैली के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50 वॉलंटियर्स की टीम तैयार कर ली गई है। एकमात्र माइक सेट पर समाज के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पुलिस कर्मी के साथ लगाया जाएगा। रैली बुधवार सुबह 10 बजे गांधी चौक, अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर पंचायत समिति, बजरिया, सुभाष चौक, मुख्य बाजारों से होती हुई SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के साथ सम्पन्न होगी। इस अवसर पर BDO नरेंद्र सिंह गुर्जर, तहसीलदार विनोद मीणा, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष विनोद सिंघल, वरिष्ठ महामंत्री मुकुट भरद्वाज, जाटव समाज समिति अध्यक्ष दान सिंह जाटव, नवल सिंह रविंद्र आदि मौजूद रहे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की बैठक आयोजित। 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान को लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन छेकुरिया बस्ती में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रीतम सिंह द्वारा की गई। बैठक में नगरपालिका उप चेयरमैन नाहर सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को भारत बंद के उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के द्वारा SC ST आरक्षण में क्रीम लेयर एवं वर्गीकरण के फैसले के विरुद्ध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिसके लिए जुलूस राजाखेड़ा में अम्बेडकर पार्क से इकट्ठे होकर पुलिस चौकी होते हुए मुख्य बाजार में शांतिपूर्ण चलकर उपखंड कार्यालय व SDM को ज्ञापन दिया जाएगा। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।